हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है उत्तप्पा। उत्तप्पा बनाना बहुत ही इजी है। इसे 10 से 15 मिनट में हम घर में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए है चावल का आटा एक प्याला, आधा कप सूजी रवा, एक प्याज, एक टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। हमने एक बाउल में चावल का आटा लिए है। अभी हम इसमें डालेंगे सूजी, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा से पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारा मिक्सचर अच्छे से अभी मिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। ध्यान रखें, हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ज़्यादा गाढ़ा। हम थोड़ा मीडियम ही इसे रखेंगे। हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अभी हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके। अभी हम देखते हैं हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी हुआ है या नहीं। ये देखिए, सारे इसके अंदर नमक और मिर्च वगैरह सब अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अभी हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने पैन गरम के लिए रखे। अभी इसमें थोड़ा हल्का से तेल लगा लेते हैं। अभी हम पैन में उत्तप्पे की तैयारी करें। अभी हम इसे साइड से थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। हमें इसे ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करना है। एक सेट अच्छी तरह से पकने देंगे, फिर हम इसे पलट देंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा उत्तप्पा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे उत्तप्पा रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। खासकर बच्चों को ये बहुत पसंद होता है। आप स्नैक्स के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।